हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे हमारा जो सेकंड ईयर फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, फर्स्ट चैप्टर जो है उसका एक लास्ट टॉपिक हमारा रहता था कैपेसिटर वाले पोर्शन से, जिसका नाम था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ आनी चाहिए कि भाई चार्ज करना कैपेसिटर को क्या होता है और डिस्चार्ज करना। ये टॉपिक हमने कैपेसिटर का पूरा पढ़ा था। चार्ज करने का मतलब ये है कि कैपेसिटर के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करना या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। सादा सा एग्जांपल, या हम इसे बल्कि इधर बना लेते हैं। ये हमारे पास है जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये इसकी दो प्लेट्स हैं और मुझे ये भी पता है कि ये प्लेट्स मेटल की बनी हुई हैं और इन प्लेट्स के ऊपर नेट चार्ज ज़ीरो है। मैंने क्या किया, मैंने इन्हीं प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया एक स्विच के थ्रू बैटरी के साथ। लो जी, ये स्विच है, ये वोल्टेज वाली बैटरी बैटरी ने जाकर इस प्लेट ए के ऊपर अपनी जाकर तड़ियाँ दिखानी शुरू कर दी। उसने कहा, ओए शौर्या इलेक्ट्रॉन दे ओए। इसने इससे इलेक्ट्रॉन छीना और छीन कर ला कर कहाँ पर रख दिया, इधर से छीना। जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया उधर पॉजिटिव और जहाँ पर गया उधर नेगेटिव। तो बैटरी ने इधर से एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर लाकर इधर रख दिया, जिसके बाद इसके अंदर एक बन गई फील्ड लाइन। और अगली बार बैटरी आई अगली बार बैटरी ने फिर छीना इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव आने शुरू हो गए इस साइड पर और इस साइड पर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए। तो मैंने ये कहा कि यार जो मेरी प्लेट ए है इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट हो गया और प्लेट बी के ऊपर माइनस क्यू चार्ज डिपॉजिट हो गया। किसी ने पूछा, सर ये कब तक, ये मतलब जो बैटरी है ये कब तक चार्ज ऐसे ला ला कर रखती रहेगी। मीन्स ये जो चार्ज ला ला कर रखना है, इसका मतलब है कि यहाँ से एक चीज़ चार्ज मूव करके इधर जा रहा है। इसको हमारी ज़ुबान में बोलते हैं चार्जिंग, कि कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज। अब हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशन है V इज इक्वल टू ई डी। यहाँ पर E बन रहा है, पहले एक बनी, दो बनी, तीन, जिससे E की वैल्यू बढ़ रही है और वोल्टेज बढ़ रही है। जब ये वाली वोल्टेज जो इन प्लेट्स के दरमियान में है और ये वाली वोल्टेज, ये दोनों जब बराबर हो जाती हैं तो कैपेसिटर की चार्जिंग रुक जाती है और हम कहते हैं कि भाई कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर हो गया या कैपेसिटर क्या हो गया है, चार्ज हो गया। फुली चार्ज की बात नहीं कर रहा मैं, जस्ट चार्जिंग की बात कर रहा हूँ कि कैपेसिटर क्या हो गया है, चार्ज हो गया, जब ये दोनों वोल्टेजेस क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, ठीक है। ये तो थी कैपेसिटर की चार्जिंग। अब ज़रा देखते हैं डिस्चार्जिंग। डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो चार्जेस इधर स्टोर हुए हैं ये वापस उधर चले जाएं। और दूसरी चीज़ रही इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सेंस में, तो चूंकि आप पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस को आपने दूर किया है, जिसके बाद आपने जब इन्हें दूर करना था तो आपने इसके ऊपर वर्क किया और फील्ड में जो वर्क किया जाता है वो एनर्जी की शक्ल में स्टोर होता है। तो इसलिए इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये एनर्जी हमने, इसका पूरा टॉपिक भी हमने पीछे पढ़ा था। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये कैपेसिटर क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए। तो मुझे पता है कि ये चार्जेस जब इधर से इधर आएंगे तो इनको इधर से तो इधर ले जाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनके दरम्यान में या तो इंसुलेटर होता है या एयर होती है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक या एयर। तो ये इधर जा रही, ये इसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू जा सकता है। तो हम सपोज करते हैं कि हम इधर कोई भी इधर रजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये रजिस्टेंस का मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस हो सकती है, जैसे कि बल्ब वगैरह हो सकता है, कुछ भी। तो हम चलो सपोज इधर बल्ब ही कनेक्ट कर देते हैं ताकि समझ आए। लो जी, ये बल्ब कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि एक पाथ मिल गया इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसको, इस वोल्टेज को होल्ड करने के लिए इधर कोई बंदा है नहीं, क्योंकि इधर जीरो है, इस साइड पे कोई होल्ड वोल्टेज है ही नहीं ना, इस साइड पे कोई ड्रॉप जो बंदा प्रोवाइड कर रहा है, लेने वाला है, देने वाला नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब इधर से होता होता इधर जाएगा और जब ये इधर से होकर जा रहा होगा ऐसे करके, तो इसमें से गुजरेगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा और उसके बाद ये वापस कहाँ पर चला जाएगा, इधर, जिसके बाद ये फील्ड लाइन ख़त्म हो जाएगी और ये चार्ज भी इधर से ख़त्म हो जाएगा। अगली आएगी, अगला जाएगा, फील्ड लाइन्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होनी शुरू हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और जब फील्ड लाइंस खत्म हो जाएंगी तो जाहिर सी बात इधर से चार्ज खत्म हुए थे तो फील्ड लाइंस खत्म हुई, तो फील्ड लाइंस भी खत्म हो जाएंगी, प्लेट्स पर चार्ज भी खत्म हो जाएगा और कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज बनी थी वो तकरीबन वापस कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और यहाँ पर आप कहोगे सर बल्ब ग्लो करना बंद हो गया और वहाँ पर कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। और ये जो प्रोसीजर हो रहा था इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग। अब ये देखना था कि ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि मेरी जो चार्जिंग है मेरे कैपेसिटर की, ये मेरा कैपेसिटर अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये बना लेता हूँ मैं इसे दोबारा। सबसे पहली चीज़ कि मेरी जो कैपेसिटेंस है ये मेरे जो कैपेसिटर है इसकी, यानी कि कब कितनी देर में कैपेसिटर चार्ज होगा, जाहिर सी बात है इस कैपेसिटर की कैपेसिटी पे डिपेंड करती है कि भाई कितनी कैपेसिटी का कैपेसिटर है, मतलब बड़ा कैपेसिटर है या छोटा कैपेसिटर है। बड़ा कैपेसिटर होगा तो ज़्यादा चार्जिंग टाइम लगेगा, छोटा कैपेसिटर होगा तो थोड़ा चार्जिंग टाइम लगेगा। जैसे कि बड़ी टैंकी है तो ज़्यादा पानी स्टोर करना पड़ेगा और ज़्यादा पानी स्टोर करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और छोटी टैंकी है थोड़ा पानी कम स्टोर करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि सिंपल वन फैक्टर जो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग को इफेक्ट करता है वो खुद कौन है, कैपेसिटेंस। ठीक है, दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़, जब ये चार्ज भाई इधर से होता होता इधर जा रहा है तो ये जिस रास्ते के थ्रू जा रहा है ये एक कंडक्टिंग मटेरियल है, यानी कि आपके पास वायर है। मोस्टली हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं एक जनरल सी टर्म जिसको हम बोलते हैं हमारी ज़ुबान में रेजिस्टेंस, इधर रुकावट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस। अब क्योंकि कैपेसिटर हमेशा किसी ना किसी रेजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर रहे होते हैं हम, यानी कि किसी डिवाइस के थ्रू कर रहे होते हैं, यानी कि वो बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, जो भी, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है रुकावट, वो तो रुकावट ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है चार्जेस को गुजरने में दुश्वारी होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। रुकावट का मतलब क्या है कि ये आपके पास कोई सड़क है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रश है, ये गाड़ियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आपकी गाड़ी ये वाली है, ये जी ब्लू कलर वाली, इसने गुजरना है तो अब रश ज़्यादा है तो इसको अच्छा खासा टाइम इधर भी लग जाएगा और उसके बाद फिर ये यहाँ पर पहुँचेगी। और अगर आपकी पास रुकावट थोड़ी कम है, गाड़ियाँ कम है, यानी कि थोड़ी सी गाड़ियाँ, तो मेरे ख्याल से गाड़ियाँ जो रश वाली गाड़ियाँ वो कम है तो मेरे ख्याल से आपकी गाड़ी बड़ी आसानी से निकल जाएगी तो टाइम आपको कम लगेगा। इसका मतलब है कि खुद इस वायर कंडक्टिंग मटेरियल की, या आप इसे कह लो कंडक्टिंग मटेरियल की रेजिस्टेंस तकरीबन हम ज़ीरो ले लेते हैं, लेकिन होती है कुछ ना कुछ। और ये जो मटेरियल रेजिस्टेंस हमने लगाया, यानी कि जो भी चीज़ हमने लगाई है, इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रुकावट पे डिपेंड करती है। मीन्स कि यहाँ पर दूसरा फैक्टर जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को इफेक्ट करेगा वो क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट, या जिस सर्किट में हमने लगाया हुआ उसकी रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम आगे एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इनके इफेक्ट करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर। हम इधर सपोज करते हैं लेट वी हैव अ कैपेसिटर, कैपेसिटर विद रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, कि हमारे पास कोई कैपेसिटर है और उसके साथ कोई भी रेजिस्टेंस आर सीरीज में हमने कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, कर लेते हैं। ये लें जी, ये कैपेसिटर है, इसके साथ आपने कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देनी है तो इस जगह पे हम वो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, बल्कि नीचे इस जगह पे कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी आ गई जी वो रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये मैंने जो सर्किट बनाया है ये सिंगल सर्किट बना दिया है। सिंगल सर्किट का मतलब क्या है कि ये ऐसा सर्किट है जिसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हम इकट्ठे देख सकते हैं। ठीक है, वो इकट्ठे कैसे कि जब मैं इस स्विच को टर्मिनल ए पे कनेक्ट करूँगा तो बैटरी इसको इस रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज करना शुरू कर देगी। ठीक है, क्लियर है। और जब मैं इसी स्विच को टर्मिनल बी पे कनेक्ट करूँगा तो बैटरी का कनेक्शन खत्म हो जाएगा और बैटरी से रजिस्टर आर के थ्रू डिस्चार्ज करना शुरू कर देगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इसलिए ये एक ही सर्किट बुक ने बनाया, तो वैसा ही सर्किट मैंने इधर बना दिया। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। हाँ, लाइनें शाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, जैसे इसको हम सीधा कर लेते हैं यूँ करके, लो जी। ठीक है जी, तो ये इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। अच्छा, अब हमारे पास कोई भी कैपेसिटर है जिसको हमने रजिस्टर आर के साथ कनेक्ट किया इन सीरीज़, तो ये कैपेसिटर है, ये सीरीज़ में इसके साथ रजिस्टेंस हमने लगा दिया। ठीक है, अब हम कैपेसिटर को करते हैं चार्ज। ठीक है, अब जब कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो सिंपल सी एक चीज़ आपने मुझे बतानी है। ये मेरे पास कैपेसिटर है और सब कुछ भूल जो कुछ भी नहीं है, रजिस्टेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये बताओ, ये प्लेट के ऊपर नेट चार्ज जीरो है, इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो, तो बैटरी जब इधर से आएगी और इसे पकड़ने के लिए लेके जाएगी तो इधर कोई बंदा नहीं रहता, इधर कोई बंदा नहीं रहता, तो ना बैटरी को इधर इलेक्ट्रॉन छीनने में कोई मुशक्कत का सामना करना पड़ेगा और ना इधर इलेक्ट्रॉन रखने में, क्योंकि ना इधर रिपेल करने वाला पड़ा हुआ और ना इधर अट्रैक्ट करने वाला। तो जिसके बायस शुरू में ऐसे लगेगा कि यार बहुत हैवी करंट मीन फ्लो ऑफ चार्जेस के बहुत ज़्यादा चार्जेस इधर से इधर मूव करेंगे। यानी कि हम क्या लेते हैं कि शुरू में इधर पॉजिटिव चार्जेस 2-4 बने और बैटरी ने अच्छा खासा 2-4 इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया, लेकिन अगली बार जब बैटरी आएगी तो बैटरी को इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से उस जाने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगी, तो बैटरी की स्पीड स्लो हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यार मैं इधर आया, मैंने इधर से कोई चीज़ उठाई और उठाकर उधर रखाया, लेकिन अगली बार जब मैं चीज़ उठाने आऊँगा तो ऑलरेडी उस चीज़ को रोकने वाला एक बंदा इधर मौजूद है, तो अब की बार मुझे इस चीज़ को उठाने के लिए यहाँ से कुछ वक्त ज़्यादा लग जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि अब मैंने उससे छुटकारा भी दिलाना है। और जहाँ पर रखनी है वहाँ पर पहले कोई बंदा नहीं था तो मैंने रख दी, लेकिन अब कोई बंदा है जो उसे रिपेल कर रहा है, रोक रहा है, तो अब वक्त ज़्यादा लगेगा। अगली बार और मुझे वो यहाँ से, अब 2 बंदे हो गए उसी चीज़ को रोकने वाले, और रोकने वाले उस साइड पर भी 2 बंदे हो गए, जिसके बायस शुरू में तो मुझे ऐसे लगेगा कि यार मसला ही कोई नहीं है, मैं अभी कर देता हूँ सारा काम, लेकिन बाद में मुझे साफ नज़र आ रहा होगा एक इफ़ेक्ट कि यार इधर रोकने वाले और इधर रोकने वाले ज़्यादा हो गए, तो मेरा जो चार्ज को मूव करने का टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि शुरू में तो मुझे ऐसे लगेगा कि यार मैं बड़ी आसानी से चार्जिंग कर सकता हूँ, लेकिन हालांकि मेरी चार्जिंग आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, जिसको लिए बुक ने एक वर्ड यूज़ किया, ग्रेजुअली स्लो डाउन हो जाएगी। तो सेम ये चीज़ इधर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर यानी कि जो स्ट्रेट लाइन शो नहीं करता ग्राफ में, क्यू और टाइम के ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन शो नहीं करता, तो क्यू और टाइम का ग्राफ इधर ड्रा करते हैं, तो ठीक है जी, ये टाइम है और इस चीज़ पे चार्ज क्यू है। इसका मतलब है कि जो मुझे लग रहा था कि यार मुझे जितना टाइम पहले एक इलेक्ट्रॉन को इधर से उठाकर उधर लगेगा और कैपेसिटर को चार्ज करते तक जितने इलेक्ट्रॉन मैंने इधर से उठाकर सब पर टाइम सेम लगेगा, तो मुझे लग रहा था कि मेरा ग्राफ कुछ इस शक्ल का बनेगा यूँ, लेकिन हकीकत में ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा। उसकी वजह क्या होगी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी चार्जिंग स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है जी, अब जब चार्ज को मैंने यहाँ से पकड़ा और पकड़ कर लेकर आने लगा तो अब एक रेजिस्टेंस का फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, जिसके बाद ये रेजिस्टेंस का फैक्टर इफेक्ट कर देगा कि भाई आपने जब लेके जाना है इधर से तो मेरे अंदर से गुजरना पड़ेगा, मैं अलाउ करूँगा कि मेरी रेजिस्टेंस ज़्यादा या कम, ज़्यादा हुई तो टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा इधर ही ट्रैफिक में, जिसके बाद इधर आने के लिए आपको चार्जिंग, जो कि इधर इलेक्ट्रॉन पहुँचाओगे तो चार्जिंग होगी, तो इसमें भी टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा। इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस का फैक्टर इफेक्ट करेगा आपकी चार्जिंग को, तो हमें लगेगा कि हमारा कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है तो वो कुछ यूँ चार्ज हो रहा होगा, मतलब एक कर्व की शक्ल में चार्ज होगा। अब जहाँ तक उसने चार्ज होना है वहाँ तक जो उसने टोटल चार्ज स्टोर करना है, इसको हम बोलते हैं इसकी इक्विलिब्रियम चार्ज, क्यू नॉट। क्यों नॉट मीन कि वो मैक्सिमम चार्ज और कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। मुझे क्या पता है यार कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, मुझे तो कैपेसिटेंस का पता है कि वो एबिलिटी जो कैपेसिटर की चार्जिंग एबिलिटी है वो कैपेसिटेंस सी है। मुझे ये नहीं पता कि ये क्यू नॉट कितना स्टोर होगा, लेकिन एक हमने हायर क्लासेस में एक मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व की थी और उसके मुताबिक मुझे पता लगा था कि कैपेसिटर अपने टोटल चार्ज का क्यू नॉट जो टोटल चार्ज में स्टोर करना है उसका 63% चार्ज स्टोर कर ले जिस वक्त। कितने परसेंट? 63% ऑफ क्यू नॉट या 63 डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्यू नॉट, तो ये बनेगा 0.63 क्यू नॉट। टोटल चार्ज का 0.63 क्यू नॉट चार्ज कर ले तो उस वक्त जो टाइम हुआ होता है वो वन टाइम कांस्टेंट होता है। वन टाइम कांस्टेंट मीन कि वो टाइम जो इतने कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है उसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, और वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पे। मींस के वो टाइम कांस्टेंट जो है कांस्टेंट वो क्या होता है? टी, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। मींस के आर और सी की प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इधर देखूं इस ग्राफ में, इस ग्राफ में टोटल चार्ज क्यू नॉट यहाँ तक है तो इसका 50% यहाँ तक बनेगा, तो 63% तकरीबन यहाँ तक बनेगा। तो मैं कहूँगा कि यहाँ तक जो टाइम लगा होगा वो T1 होगा, यानी कि टाइम कांस्टेंट T1। तो इस ग्राफ के लिए टाइम कांस्टेंट T1 यहाँ पर होगा, जिसकी कर्व बहुत जल्दी यानी कि कम टाइम पर बेंड हो रही है। इसका मतलब है कि उसकी आर या सी की वैल्यू छोटी है, या तो उसकी रेजिस्टेंस कम है या उसकी कैपेसिटेंस कम है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट टी के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने एक और कैपेसिटर लिया और मैंने शायद उसमें या तो सी बढ़ा दिया या आर बढ़ा दिया। सपोज कर लो कि मेरी पहली कंडीशन जो है T1 वाली, उसमें मेरे पास कैपेसिटर यही है, मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दिया। तो अब मुझे पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से होकर जाएंगे ना तो अब उन्हें सामना करना पड़ेगा और रेजिस्टेंस का, जिसकी वजह से उनको अब टाइम पहले की निस्बत कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो टाइम ज़्यादा लगने के लिए उसका जो 63% सॉरी इधर लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम का 0.63 चार्ज वो टाइम भी ऑब्वियसली उसे क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो अब उसकी जो कर्व होगी वो हम बना लेते हैं ब्लू से। वो कर्व थोड़ी कुछ एक सेकेंड, इसको ज़रा, ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये ब्लैक लाइन, तो ये वो स्ट्रेट लाइन है जो हमारे पास किसके लिए थी कि अगर कॉन्स्टेंट चार्ज होता। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने वो टाइम निकालना है जिसके लिए, अब क्या हुआ कि अब मैंने क्या कर दिया, लार्जर आर सी, ये ब्लू लाइन, एक डी लाइन कौन सी है? स्मॉलर आर सी। तो अब आप देख रहे हो कि जब आप ग्राफ ड्रा करोगे किसके लिए, ऐसे कैपेसिटर के लिए जिसकी आर सी की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। आर सी मीन के उसकी आर या तो रेजिस्टेंस ज़्यादा या सी, लेकिन इनका प्रोडक्ट पिछले वाले आरसी से थोड़ा बड़ा है। तो अब उसको 0.63 क्यू नॉट जो इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% है, उसे चार्ज करने के लिए टाइम भी कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो ग्राफ भी इस चीज़ को शो करवा रहा है और वैसे भी हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ पर आरसी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है चार्ज को मूव होने में वक्त भी ज़्यादा लगेगा। अब कोई बंदा कहता है कि सर ये जो ब्लैक है ना, ये कोई ग्राफ नहीं है, ये तो सिर्फ एक हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि यार ऐसे हो सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। उसकी चार्जिंग ग्रेजुअली स्लो डाउन होती है, जिसके बाद टाइम का फैक्टर चेंज होना शुरू होता है। तो शुरू में तो आपको देखो दोनों ये ग्रीन और ये ब्लू वाली लाइंस तकरीबन कोई आपको स्ट्रेट लाइंस लग रही हैं थोड़ी सी, क्योंकि शुरू में वो ग्रेजुअली चार्जिंग वो मतलब कॉन्स्टेंट चार्जिंग का बिहेवियर देता है, लेकिन चूँकि रिपल्शन शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद उसकी चार्जिंग जो है वो ग्रेजुअली स्लो डाउन होती है। अच्छा, अब ये जो आपके पास ये जो ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ से आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है कि अगर ये ब्लू हो या ग्रीन, कोई भी एक ले लो, सपोज कर लो हम ब्लू ले लेते हैं। तो मैं कहता हूँ यार इस ब्लू पे किसी भी वक्त मुझे ये बताओ कि वोल्टेज कितनी होगी, तो वोल्टेज के लिए हमारे पास फार्मूला था Q इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पर अब Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C इंटू वी। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी उसके लिए चार्ज भी कितना होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वोल्टेज बराबर आ जाएगी Q नॉट ओवर C, ठीक है जी। और एट एनी इंस्टेंट अगर वोल्टेज होगी तो वो क्या होगी कि उस जगह पर जो वोल्टेज होगी वो किसी भी अमाउंट चार्ज को आप उसकी किस पे डिवाइड कर दोगे, कैपेसिटेंस पे। तो वहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी, उस जगह पर वोल्टेज आ जाएगी। यानी कि कैपेसिटेंस तो आपके पास फिक्स होगी ना, जो भी कैपेसिटर होगा, बस आपने उस जगह पर जो चार्ज है उसकी अमाउंट को डिवाइड कर देना है किसके ऊपर, सी के ऊपर। तो आपके पास उस जगह पर जो वोल्टेज बन रही होगी, लेट्स सपोज आपका कैपेसिटर 10 वोल्ट में फुल चार्ज होता है, तो भी चार्ज और उस वक्त चार्ज 100 कूलम स्टोर होता है। कितना, 100 कूलम। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि भाई 50 कूलम पे कितनी वोल्टेज होगी, तो 50 डिवाइडेड बाई जो कैपेसिटेंस की वैल्यू, उस कैपेसिटर को डिवाइड करोगे तो उस वक्त जो वोल्टेज आएगी वो रिक्वायर्ड वोल्टेज आ जाएगी जब कैपेसिटर क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा। और ये वोल्टेज रुक जाएगी जब ये वाली वोल्टेज और बैटरी की वोल्टेज दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, ठीक है जी। ये था आपके पास पूरा चार्जिंग की कहानी। अच्छा, इसमें अक्सर बच्चों का सवाल होता है सर ये जो है 63% ऑफ क्यू नॉट, ये क्या चीज़ है, मतलब 63% ही क्यों, इसके ऊपर नीचे वाली वैल्यू क्यों नहीं। हालांकि 63.2% है सही वैल्यू इसकी। तो ये जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो वहाँ पर आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि इसकी एक मैथमेटिक्स है छोटी सी, वो हमारे पास आती है क्यू इंटू क्यू नॉट 1 माइनस जो हमारे पास ई होता है उसकी पावर होती है -t/RC, ठीक है। तो एक पूरी कैलकुलेशन है, उसे करके निकाली गई। तो खैर हमारा ये मकसद नहीं है, हमारा टू दी पॉइंट टॉपिक के साथ जुड़े रहने वाला मकसद है, तो हम उसके मुताबिक इसे करेंगे। तो अब मैंने क्या कर लिया, कैपेसिटर को चार्ज कर लिया। अब आ जाए कि अब हमने क्या करना है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अब कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है तो मैं क्या करूँगा, इस स्विच को, ये जो स्विच मैंने ए पर रखा हुआ था, इस स्विच को इधर से हटाकर कहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा, बी पर। तो जब बी पर कनेक्ट करूंगा तो जो भी चार्ज स्टोर था अब वो क्या करना शुरू करेगा, इधर से मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन अब भी उस चार्ज को कहाँ से मूव होकर जाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस आर में से। तो पहले वो कैपेसिटर कहाँ से जा रहा था, मतलब जब हमने रेजिस्टेंस नहीं रखी थी तो वैसे ही जा रहा था, लेकिन अब वही जो हमारे पास है चार्ज जिसने इधर से मूव करना है वो अब रेजिस्टेंस आर में से मूव करके जाएगा। जब वो रेजिस्टेंस आर में से मूव करके जाएगा तो वह आपने मुझे ये बताना है क्या अब भी रेजिस्टेंस अपना कोई इफेक्ट देगी। जाहिर सी बात है सर, इफेक्ट तो देना ही है, अगर ज़्यादा हुई तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर रेजिस्टेंस कम हुई तो टाइम कम लगेगा। तो फिर ये चीज़ समझनी है क्या डिस्चार्जिंग के अंदर भी ये दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर कैपेसिटर की टैंकी बड़ी है, साइज कैपेसिटेंस बड़ा है, तो टाइम डिस्चार्जिंग का भी ज़्यादा लगा। अगर चार्ज हुआ है, ये ना हो खाली कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने लग जाओ, नहीं, चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो साइज बड़ा है तो चार्ज ज़्यादा स्टोर है, तो ज़्यादा बड़ी टैंकी को खाली करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरा, अगर आपका जो पाइप जिससे आप टैंकी खाली कर रहे हो वो पाइप बड़ा है, चौड़ा पाइप है, तो रेजिस्टेंस मीन कम है तो टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर पाइप पतला है तो टाइम उसको उसी टैंकी को खाली करने में ज़्यादा लगेगा। एक सिंपल सी एग्जाम्पल आप ले लो, ये आपकी पानी की टैंकी है, ठीक है। इस टैंकी को आपने इस पाइप से खाली करना है जो ये है बारीक सा, और एक ये पाइप है इससे खाली करना है। ये पाइप 1 है, ये रेजिस्टेंस है लार्ज और ये रेजिस्टेंस है स्मॉल। अब आपने मुझे बताना है कि स्मॉल रेजिस्टेंस वाले पाइप से जल्दी टैंकी खाली होगी या लार्ज वाले से, तो ओबियसली स्मॉल वाले से टैंकी जल्दी खाली हो जाएगी। जिसका मतलब है कि सेम इधर रेजिस्टेंस फिर इफेक्ट देगी अपना डिस्चार्जिंग के वक्त। तो ज़रा वो देखते हैं। अब सीन कुछ यूँ होना है कि जब आपने डिस्चार्जिंग शुरू करनी है तो इधर है पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा, इधर है नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा। तो जब ये नेगेटिव भाई इधर से जाने लगेगा तो इसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ से अट्रैक्शन होगी। तो शुरू में ये लगेगा कि आपको कि ये बड़ी स्पीड से डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चार्जेस ख़त्म होने शुरू होंगे, क्योंकि ये चार्जेस इधर आकर न्यूट्रलाइज होने शुरू हो जाएंगे। तो ये चार्जेस तो भाई गए, ज़िंदगी से ही गए, अपनी जान दो गए। तो इधर जो बचे अब ये इनके ऊपर अट्रैक्शन काम है तो ये स्लो हो जाएंगे। अब ये भी गए तो और स्लो हो जाएगा काम, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिस्चार्जिंग भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ग्रेजुअली स्लो डाउन। तो ये ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो सेम यही वाला सीन इधर होगा। तो डिस्चार्जिंग के अंदर भी इफेक्ट होगा सेम वही वाला कि ग्रेजुअली स्लो डाउन वाला। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं सेम तो ये है, अभी वक्त कितना है ज़ीरो जब मैंने स्विच को ऑन किया, तो कैपेसिटर अपनी फुल मैक्सिमम वैल्यू जो कि क्यू नोट हमने कहा था उस पे है। ठीक है, तो सपोज कर लो कि ये पॉइंट है जो क्यू नोट का है, ये ऐसे बना लेते हैं, ये क्यू नोट है और मेरे पास दो कैपेसिटर हैं। तो अगर तो मैं कहता कि भाई हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कम है और एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू कम है, या कैपेसिटर सेम है रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो फिर ये वाला सिनेरियो मैं इधर दोबारा लिखूंगा। मैं लिखूंगा कि जो टाइम आता है इनको डिस्चार्ज करने में वो अगेन दोबारा डिपेंड कर रहा है किस पे, रेजिस्टेंस पे और कैपेसिटेंस पे। तो अब कैपेसिटर फुल चार्ज अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू क्यू नॉट पे चार्ज है, तो अब क्या होगा, अब जब ये डिस्चार्ज होने लगेगा तो ये जब डिस्चार्ज होगा तो ये कुछ हमने ब्लू वाला बनाया था लार्जर से, तो जब ये डिस्चार्ज होगा तो ये कुछ यूँ डिस्चार्ज होगा। ठीक है, और एक और बना लेता हूँ साथ। ठीक है, तो ये मैंने दो लाइंस ड्रा कर दी हैं ग्राफ की। ये क्या कह रही हैं, सॉरी इसको थोड़ा कर्व शक्ल देनी है, स्ट्रेट नहीं आएगा, थोड़ा सा कर्व ही सा आएगा। इसको इधर बना लेते हैं। ठीक है, तो अब जब डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर तो उस वक्त भी कुछ यही सिनेरियो हमारे सामने आएगा कि जो ये ब्लू लाइन है ये है लार्जर आरसी वाली और जो ग्रीन लाइन है वो है स्मॉलर आरसी वाली। ठीक है, लार्ज आरसी और स्मॉल आरसी। तो होगा क्या कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो ये यहाँ से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और जब ये अपनी डिस्चार्जिंग का कितने परसेंट कर लेगा, 63% या 0.63 ऑफ क्यू नॉट, तो ये जो टाइम होगा वो 1T के बराबर होगा। 1T मीन वन टाइम कांस्टेंट। तो जैसे चार्जिंग के अंदर RC एक टाइम कांस्टेंट दे रहा है, वो क्या है कि वो वक्त जिसके अंदर कैपेसिटर अपनी टोटल चार्ज का कितने परसेंट चार्ज हो जाता है 63, तो वो टाइम कांस्टेंट T है। तो सेम इधर जिस वक्त के अंदर कैपेसिटर अपने टोटल चार्ज का क्यू नॉट का कितने परसेंट डिस्चार्ज हो जाता है 63%, वो उस वक्त का टाइम कांस्टेंट T होता है। तो जिसका T ज़्यादा होगा उसका जाहिर सी बात है 63 तक आने का वक्त भी ज़्यादा लगेगा। तो सपोज कर लो ये मतलब 100% है, इस 100% के अंदर यहाँ तक 50% है, तो यहाँ पर कहीं पर हमारे पास क्या होगा 63% होगा। तो इसका मतलब है कि ये 0.63 ऑफ क्यू नोट है ऊपर से ऐसे। ठीक है, तो फिर नीचे से कितना बचेगा 37%। तो मैं कहूँगा कि वो वक्त टाइम कांस्टेंट वो वक्त होगा जिसके अंदर कैपेसिटर अपनी टोटल चार्जिंग का कितना बाकी रह जाए 37%, उस वक्त जो टाइम हुआ होगा वो वन टाइम कांस्टेंट RC होगा और उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि रेजिस्टेंस किस वैल्यू की लगाई हुई है और कैपेसिटेंस किस वैल्यू की लगाई हुई है। अब आप देख लो कि जिसका RC का प्रोडक्ट यानी कि R और C का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है, तो उसको 63 होने के लिए जो वक्त लग रहा है वो आपके सामने इसके टाइम से क्या लग रहा है, ऑब्वियसली ये देखो ना ये T का ग्राफ है, तो T दूर है, इसका टाइम कांस्टेंट भी फिर ज़्यादा होगा। तो ये जो चीज़ है ये हमारे कहाँ पर यूज़ होती है, तो आपने कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो आपके जो छत वाले पंखे नहीं होते हैं दूसरे पे डिजिटल जो AC पे चलते हैं उनके अंदर ये लगे होते हैं कैपेसिटर। फिर हमारे पास यही कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं वाइपर्स गाड़ियों के नहीं होते आगे वाले शीशे साफ़ करने वाले बारिश के दिनों में या पानी गिर जाए तो वहाँ पर भी ये लगे होते हैं जहाँ पर ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से उसको ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल यही है कि कैपेसिटर जब चार्ज होता है जल्दी चार्ज शुरू में होता है और बाद में लेट होता है तो सिर्फ चार्जिंग की रिपल्शन होती है। इसकी प्रैक्टिकल एक सिंपल सी एप्लीकेशन अगर एनालॉजी बनाएं तो वो यही है कि आपके पास मोबाइल की बैटरी है, तो आपने देखा होगा एंड्रॉयड मोबाइल्स की बैटरी शुरू में तो बड़ी स्पीड से चार्ज होती है, तो कंपनियों की आपने एड्स भी देखी होंगी कि शुरू में तो वो कहते हैं यार 50% कर दे जी 15 मिनट में 20 मिनट में, लेकिन 100% कोई नहीं कहता कि इतनी देर में करेगा। क्यों? क्योंकि जो आखिर वाले सेल जो परसेंटेज होती है 90-85 से 100 तक जो होती है उसके ऊपर रिपल्शंस लग रही होती हैं, तो चार्ज को स्टोर होने में अच्छा खासा वक्त लग रहा होता है। तो सेम इधर है कि कैपेसिटर के ऊपर भी वो रिपल्शंस आ जाती हैं जिसके बाद उसका टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। ये था आपका पूरा टॉपिक इसके अंदर, और ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अगर आपको इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।